हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सातिया है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हु एवर नीड्स इट। अगर आप जानना चाहते हो कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं, आप ये रीडिंग देख सकते हो टू नो दैट। रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। से जो बात है, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपके सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपाल से ईजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। इसके अलावा अगर आप चाहो तो इंस्टाग्राम पे डेली रीडिंग्स के लिए फॉलो कर सकते हो। सो लेट्स सी कि क्या सोचते हैं आपके पर्सन आपके बारे में, क्या है उनके माइंड में, उनके दिल में आपको लेकर क्या ख्याल आते हैं वो जब भी आपके बारे में सोचते हैं। लेट्स सी, थ्री ऑफ सोल्स। आप लोगों का तो ब्रेकअप हुआ है या फिर काफ़ी सारे डिसएग्रीमेंट्स चल रहे हैं। जब भी वो आपके बारे में सोचते हैं, उनको लगता है कि कुछ भी वर्कआउट नहीं करेगा। आपके और आपके पर्सन के दरमियान में बहुत ज़्यादा क्लैशेस हैं, बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं। जब भी वो आपके बारे में सोचते हैं, उनको लगता है कि चीज़ें कभी अच्छी नहीं हो सकती। आप उनको अंडरस्टैंड नहीं करते, वो आपको अंडरस्टैंड नहीं करते। फ्यूचर जो है शायद इस कनेक्शन का बिल्कुल नहीं है। सो ये सोचते हैं आपके पर्सन आपको लेकर। यस, मुझे लगता है कि राइट ना आप दोनों के दरमियान में बहुत कुछ हो रहा है जो कि अच्छा नहीं है, पॉजिटिव नहीं है। क्लैरिटी किसी चीज़ की नहीं है, चीज़ें अच्छी जा सकती हैं या नहीं ये भी नहीं पता। तो काफ़ी हद तक मुझे लगता है कि आप लोग डेफिनेटली, मुझे लगता है जिन लोगों के साथ भी ये एनर्जीज मैच करेंगी या ये रीडिंग मैच होगी, वो डेफिनेटली ब्रेकअप कर चुके हैं या फिर इन सेपरेशन है या फिर डिटैचमेंट में हैं। आपको लेकर जब भी वो सोचते हैं तो उनके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ आती है कि ये कभी वर्कआउट नहीं हो सकता, आपका कनेक्शन उनके साथ नहीं चल सकता, क्योंकि शायद आप दोनों डिफरेंट पेज पे हो। शायद आपकी एक्सपेक्टेशन लाइफ से कुछ और है, उनकी एक्सपेक्टेशन कुछ और है। शायद आप लाइफ को या लव लाइफ को सर्टन वे में देखते हो, वो उस वे से नहीं देखते। तो काफ़ी हद तक डिसएग्रीमेंट्स, हार्मनी जो है वो कनेक्शन के अंदर है। सो मुझे लगता है कि आप लोगों की जितनी भी बात होती है, इट्स मोर लाइक अ फाइट, इट्स मोर लाइक एन आर्ग्यूमेंट। कहीं भी आप उनको अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हो या ना ही वो आपको अंडरस्टैंड कर रहे हैं। सो मुझे लगता है कि बहुत ही एक अनहेल्दी सा कनेक्शन बन चुका है आपका और आपके पर्सन का। कहीं ना कहीं टॉक्सिसिटी जो है इस कनेक्शन में बढ़ती चली जा रही है। लेट्स सी, टू ऑफ वांड्स। मुझे लगता है जो आप डिमांड कर रहे हो इस कनेक्शन में अपने पर्सन से, वो राइट नाउ आपको नहीं दे सकता, चाहे लड़का है या लड़की। एंड जिसकी वजह से आप दोनों की आर्ग्यूमेंट या फाइट ही इसी चीज़ पर होती होगी, जो आप चाहते हो वो नहीं मिल सकता। और आपको वो नहीं चाहिए जो आपका पर्सन देने के लिए रेडी है। सो मुझे लगता है कि बहुत ही ज़्यादा एक अनफुलफिलिंग एनर्जी है कनेक्शन की राइट ना। आई मीन डायरेक्ट वी टू हैव द एट ऑफ पेंटिकल्स। बहुत चीज़ें हैं इस कनेक्शन के अंदर जिसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं सेल्फ लव प्रैक्टिस अगर आप करोगे तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं शायद आप, क्योंकि इस इंसान को इतना प्यार करते हो, आप गिव इन कर देते हो। आप जो वो इंसान चाह रहा है या जिस लिमिट तक कनेक्शन को रखना चाह रहा है, वो आप उस पर एग्री कर जाते हो। नाउ इफ़ यू वांट समथिंग टू चेंज, आपको उसके लिए अपना एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा। आपको बिलीव करना पड़ेगा कि जो आप चाहते हो वो आपको मिल सकता है। कहीं ना कहीं आपका खुद को लेकर भी बिलीव जो है वो काफ़ी हद तक कम हो चुका होगा। अगर वो हो चुका है, अगर आपको लगता है कि नहीं, आप जो चाह रहे हो वो इम्पॉसिबल है, आपको वो नहीं मिल सकता, तो ट्रस्ट में वो नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप इसके ऊपर बिलीव करना शुरू कर दो, जो आप चाहते हो, आपका पर्सन रेडी हो जाएगा वो देने के लिए आपको। क्यों? क्योंकि वो भी आपको प्यार करता है। नाउ ये बिलीव आना इस सिचुएशन में ही बड़ा मुश्किल है, क्योंकि सिचुएशन आपकी बहुत बुरी चल रही है कनेक्शन में। तो आपके लिए ये ट्रस्ट करना या ये यकीन होना या ये एक फेथ होना कि आपका पर्सन आपको प्यार करता है, विल बी लाइक एन इम्पॉसिबल थिंग। आपके माइंड में हज़ार सवाल आएंगे कि प्यार करता है तो फिर ये क्यों हो रहा है, प्यार करता है तो शादी क्यों नहीं कर रहा, प्यार करता है तो ये क्यों नहीं हो रहा। यू नो, यू विल हैव दोज फियर्स। यू नो, आपकी बेसिकली इट्स मोर लाइक आपके जो इनर फियर्स हैं ना, वो उनका होल्ड है आपके ऊपर राइट नाउ। अगर आप अपने आप को कंट्रोल कर सको, अगर आप अपने आप को ईजी कर सको अराउंड योर लव लाइफ, तो चीज़ें बदल सकती हैं। लेकिन राइट नाउ जो है, मुझे लग नहीं रहा कि कनेक्शन किसी भी फेवरेबल कंडीशन की तरफ बढ़ रहा है। बहुत ही नेगेटिव एनर्जी है आपके कनेक्शन की। आपका पर्सन आपके बारे में बिल्कुल अच्छा नहीं सोच रहा। उसको लगता है कि सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की फ़ाइट हो सकती है, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का आर्ग्यूमेंट हो सकता है। लेकिन हाँ, अगर आप अपने आप को थोड़ा अपने ऊपर काम करो तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। वेट, डोंट रश इनटू इट, अलाउ नेचर टू टेक इट्स कोर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बहुत ज़्यादा स्पीडली चीज़ों को आगे लेके जाना चाह रहे हो। आपको लग रहा होगा कि और कितना वेट करना है। यू नो, देर आर सर्टन टाइमिंग्स फॉर एवरीथिंग टू हैपन। आप जो कर रहे हो उससे आपका पर्सन इरीटेट हो रहा है, सफोकेट हो रहा है आपको। यू नीड टू स्टॉप डूइंग दैट। आपको अपने ऊपर यकीन रखना होगा। यू नो, यू कैन नॉट गेट वॉट यू वॉन्ट लाइक दिस।
बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर लोग बहुत ज़्यादा यू नो चीज़ों को सर पे चढ़ा लेते हैं, और यही आप कर रहे हो राइट नाउ इस इंसान को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। अगर तो आपको एक स्पेसिफिक किस्म का रिलेशनशिप चाहिए जो ये पर्सन राइट नाउ आपको नहीं दे सकता फॉर श्योर, उसके लिए दो चीज़ें आप कर सकते हो। या तो आप मैनिफेस्ट करो पॉजिटिव रहते हुए, अगर आप पॉजिटिव नहीं हो तो आप मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। अगर आपको फियर ज़्यादा है आप मैनिफेस्ट नहीं कर सकते, वन थिंग। दूसरा आप ये कर सकते हो कि मूव ऑन टू अ पर्सन जो कि आपको वो सब कुछ दे सकता है जो आप चाहते हो। लेकिन अगेन मुझे नहीं लगता, क्योंकि विद दिस कार्ड इट सीम्स लाइक कि आपके लिए वेट करना या चीज़ों को अपने ऊपर काम करने का ज़्यादा फ़ायदा होगा। क्योंकि अगर आप मूव ऑन करने का सोचोगे भी तो भी शायद आप हील नहीं होगे, और ना ही आप हील होगे ना ही आप राइट किस्म का इंसान अट्रैक्ट कर सकते हो। सो ईदर यू वेट और वर्क ऑन योर सेल्फ। और अगर ये नहीं करना तो आपने मूव ऑन करना है, मूव ऑन भी इस तरह से करना है जहाँ पे आप रश नहीं करो टूवर्ड्स अनदर पर्सन। अपना टाइम लो, अपना स्पेस लो, और जब आपको लगे कि आप रेडी हो, इस सिचुएशन में हो जहाँ पे आप कुछ अच्छा कर सकते हो कनेक्शन के अंदर, अपने आप को हील कर चुके हो ऑलरेडी, तो ही आगे बढ़ो टूवर्ड्स अ न्यू पर्सन। मुझे नहीं लगता कि आपका पर्सन राइट ना आपको लेकर कुछ अच्छा सोच रहा है, लेकिन अगर आप अपना एटीट्यूड चेंज करोगे तो वो डेफिनेटली सोचेगा। बट फिलहाल ऐसी एनर्जीज लग नहीं रही। लेट्स सी क्या है मैसेज आपके पर्सन का आपके लिए। आई विश वी कुड कम बैक टुगेदर, वो विश करेगा कि वो आप और आप दोनों का यू नो जो कनेक्शन है वो वापस अच्छा हो जाए, क्योंकि उनको बिलीव है कि आपका प्यार म्यूचुअल है। लेकिन somehow आपको उनका प्यार जो है वो खटकता है, आपको लगता है कि ये प्यार कैसे, ये कैसा प्यार है। यू नो आपका माइंड सेट सिर्फ प्यार मीन्स की शादी, आप उसके एंगल से चीज़ों को नहीं अंडरस्टैंड कर रहे हो। और आप अगर रिलैक्स करो, आप अगर उस इंसान को टाइम स्पेस दो, तो वो आपको बताएगा कि येस दैट पर्सन लव्स यू। बट आपके फियर हमेशा आपके आड़े आएंगे, अभी भी और फ्यूचर में भी। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको बिलीव हो कि यू आर वर्दी एंड डिजर्विंग ऑफ लव। कहीं ना कहीं आपको वो डेफिनेटली नहीं है, जिसके वजह से आप फियरफुल हो कि आपको है कि चीज़ें जल्दी जल्दी बस यू नो कमिटमेंट हो जाए, एंगेजमेंट हो जाए, फैमिली से इन्वॉल्व हो जाए। जहाँ पे आपको अपने ऊपर बिलीव आएगा आपके लिए ये चीज़ें मैटर नहीं करेंगी, और आपको बिलीव होगा कि जब टाइम होगा तो ये पर्सन आपके बारे में ही सोचेगा, आपसे ही शादी करेगा। आई एम मोर अफेक्टेड देन यू नो, आपको लगता है कि इस इंसान को फ़र्क ही नहीं पड़ता, इन एक्चुअलिटी इसको बहुत फ़र्क पड़ता है। लेकिन somehow आपका पर्सपेक्टिव जो है वो लव लाइफ को लेके डिफरेंट है, आपके पर्सन का डिफरेंट है, तो इसकी वजह से काफ़ी क्लैशेस हैं आप दोनों के दरमियान में। लेकिन आपके पर्सन के दिल में आपके लिए फीलिंग्स उतनी ही हैं जितनी आपके दिल में है। जितना आपको बुरा लगता है कि कभी भी वर्कआउट नहीं कर पा रहा है कनेक्शन, उतना उनको भी लगता है। फॉरगिवनेस, नथिंग इज गेन बाय होल्डिंग ऑन टू पास्ट डिसअपॉइंटमेंट्स, नंबर 29। मुझे लगता है कि इवेंचुअली शायद आप दोनों ने इकट्ठे ही आना है, एक दूसरे के साथ ही आना है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि एक दूसरे को फॉरगिव एंड फॉरगेट करो और चीज़ों को आगे लेके जाओ। अगर आप ऑलरेडी इस इंसान के साथ काफ़ी दफ़ा ऑन एंड ऑफ रह चुके हो, मे बी देर इज़ दिस टाइम कमिंग वेरी सून जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे को कमिट करो। लेकिन अगर आपका नया कनेक्शन है, एक दो साल ही हुए हैं आपके कनेक्शन को, मुझे नहीं लगता कि आपका कनेक्शन अभी किसी पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा। मुझे लगता है कि शायद एंड की तरफ बढ़ेगा, और शायद ऑलरेडी लाइक आई सेड स्टार्ट में ही कि मुझे लगता है कि राइट नाउ जो एनर्जीज हैं वो काफ़ी डिस्टर्बिंग है कनेक्शन के लिए। सो मुझे नहीं लगता कि आपका पर्सन इस कंडीशन में है कि वो आपको लेके कुछ पॉजिटिव सोचे, क्योंकि उसके दिमाग में एक ही चीज़ है कि आप और वो कभी साथ नहीं हो सकते। सो या ये रीडिंग अगर आपको हेल्प किया, गाइड किया, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय।